शिवहर जी की जय वंग अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानंजन सलाकया चखिन्मील येन तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभ स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाती शोपदाक वंदे अहम श्रीगुरुसुतपुर वैष्णवास् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानि त्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणलितां श्रीविशाखानि त्वां च नमोऽ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते राधाकान्तनमस्तुते राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यना से नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंदीअद्वैत श्री गाधर श्रीवासादि गौरभक्तबृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हम लोग दो दिन से सुन रहे थे लोग की सेवा कैसा करना चाहिए गुरुवर्ग की सेवा कैसा करना चाहिए इस प्रसंग से हम ई वर्ष जो है चुने हैं सुनने के लिए शुश्रूष श्रद्धा धान से वासुदेव कथा रुचि शान्त महत्सेवया विप्राह पुन्या तीर्थ निषेवनात सुस्रुशो स्रद्धा धानस्य बासुदेव कथा रुचिहि शान्त महत्सेवया विप्राह पुन्या तीर्थ निषेवनात Por Lelo.

शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणारविंद भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की शब्दार्थ शुश्रुषो श्रवण में व्यस्त श्रद्धान पूर्वक। वासुदेव। वासुदेव की। की कथा संदेश कथा में रुचि ही। लगाओ ज्ञात संभव बन जाता, बन जाता है महत महत सेवया, महत सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा करके, सेवा करके विप्राह चित्राह हे द्विज पुण्य तीर्थ, समस्त पापों से शुद्ध हुओं की समस्त सेवा से अनुवाद हे द्विजों जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है तात्पर्य जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं भगवत गीता के सोलहवें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार उनके पुत्र उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे किंतु वे भक्त की तरह बने रहे जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे किंतु तब वे अपने कानों से हाथों से तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलवाते हैं ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं भगवत अठारह दशमलव उनहत्तर में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक होश्रदा वासुदेव कथा रुचि तीर्थ निशे बनात जो प्रसंग हम सुन रहे थे इसे जुड़े हैं सब। भक्ति जग में कुछ भी हम मत की कृपा अच्छे लोगों की कृपा शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हम कुछ भी नहीं कर सकते ना तो श्रवण कर, कर, कर सकते हैं, ना तो कीर्तन कीर्तन कर सकते हैं पूर्ण तीर्थ तीर्थ निशे बनात सुन रहे हैं ना? हम क्या करते हैं प्रयास करते हैं। मेरा भक्त का गुण होना चाहिए ठाकुर जी जो जो गुण बोले है ना भगवत गीता में सुने ना आप भक्त का क्या क्या गुण होना चाहिए ये गुण कैसे हम प्राप्त हो सकते हैं प्रूपा जी लिखे तात्पर्य में देखो भागवत का सिद्धांत क्या है अच्छा लोग का सिद्धांत क्या है एक ही सिद्धांत है लेकिन पकड़ाता इधर जस्यस्ति भक्ति भगवत सर्वे गुणेश तत्र समा जिन लोग का अकिंचना भक्ति है जो गुण भगवान का पास है वो गुण भक्त के पास आ जाता है ये चैतन्य चरता में उसका पदय सर्व महा गुण गण वैष्णव शरीर कृष्ण भक्तेर कृष्णर गुण सकली संजारे। जो कृष्ण का गुण है वो भक्त के पास आ जाता है कैसे आता है उसका मीडिया कौन है शांत महत्वाया विपरा पुण्य तीर्थ निसेवना हमको भक्त बनने के लिए भक्त का गुण प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध भक्त का सेवा करना पड़ेगा देखो प्रभा जी का तात्पर्य परेम बोल रहे तो आप बोलेंगे क्यों श्रवण करके कीर्तन करके मनन करके नहीं आप नहीं कर सकते स्वतंत्र कभी कुछ नहीं कर सकते इसका प्रमाण भागवत में हम भावुकता वस्तु नहीं बोलते हैं <laughs> सम, समझ रहे हैं ना जैसे गुरु तत्व है ना एक तत्व है प्रिंसिपल है एम क्वालिफाइड क्वालिफाइड डिफरेंट थिंग कोई योग्य है कोई योग्य नहीं उसके बाद छोड़ दीजिए प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा तीर्थ बना देखो श्रवण कीर्तन अर्चन बंधन जो नवदा भक्ति है अगर हम गुरु जी को आश्रय नहीं करेंगे शुद्ध भक्त को आश्रय नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते ये भगवत का सिद्धांत श्रवण भी नहीं कर सकते आप क्यों नहीं, नहीं कर सकते श्रवण जिनको जिससे करते हैं ना उनको आप पसंद नहीं करते हैं जो साधु साधु को आप प्रेम नहीं करते हैं, उनका कथा सुनते हैं हमारा गुरु जी कहा करते हैं। इस, इस दिशा में आप सुनते हो इस दिशा वो निकल जाता है जिनको आप प्रेम करते हो उनको स्मरण कर सकते हो जिनको प्रेम करते हो उनका बात बोलने को अच्छा लगता है उनको मनन अच्छा कर सकते हो तो हमारे पास प्रेम नहीं है देख लीजिए इस श्लोक की कमेंट्री पर سيدર સ્વામી نے کیا لکھے ہیں સત્યમેવં ಕರ್માนิવ કર્મニムલિને હરિકથા રતિહી તથાપી જીતના કર્મ હે ના प्रारब्ध હરિકથા મે નષ્ટ હો જાતા હે દેખો કિતના પ્રસંગ જૈસે ગજેન્દ્રચરિત સુનીએ અજામિલચરિત ઇસમે પ્રસંગ મે સુખદેવ કો સ્વમ કે બોલતે હે જો કથા સુંતે હોન લોગા ભી પ્રારબધ નાશ હો જાતા હે लेकिन हम तो कथा भी हम तो कथा सुनते हैं हमारा क्या हो रहा है नहीं श्रवण ये नहीं होता है तथा तस्यम रुचि न उत्पाद है किंग अगर कोई प्रश्न करेगा ना कथा का इतना प्रभाव है शक्ति है कोई भगवान की कथा सुनते है ना उनका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है कर्म नष्ट हो जाता है लेकिन जिनका कथा में रुचि नहीं है उनको क्या करना है अरुचि लाने के लिए क्या उपाय है तब तो ये भर्स लगेगा तत्र श्रद्धा अनुष्य इसका उत्तर ही देखो कथा श्रवण से सब शुरू होता है ना श्रवणम कीर्तनम कलिजुग में कौन बड़ा है कीर्तन बड़ा है कीर्तनाख्य भक्ति हम जो भी अंग जाजन करेंगे ना जैसे अर्चन कर रहे हैं कीर्तन करना है महामंत्र कीर्तन करते कि नहीं उच्चारण करते हैं कीर्तनाख्य भक्ति लेकिन ना तो श्रवण होता है ना तो कीर्तन होता है कुछ भी अंग भाव से भाव साधन नहीं कर सकेंगे अगर पुण्य तीर्थन निश्चय बनात पुण्य तीर्थन निश्चय बना प्रद लिखे ना निष्पाप्य देखो कमेंट्री कैसे सोचते हैं प्रभपद लिखे हैं इस तात्पर्य है। ये भाव को प्रभुपद ने व्याख्या किए निष्पापस्य महत सेवा सत्य जो निष्पाप है इसे मौतलो का सेवा हम करना चाहिए जैसे अर्चन हम कर रहे हैं ठाकुर जी का पूजा कर रहे हैं इन किसका है, से मौत सेवा है प्रुपा जी की है, समझ रहे हो ना राशिहार किसका है क्या है, रा, राधा रमन किसका है देखो वृंदावन क्या बोलते हैं राधा रमन गिरिधरी गा, गाते हैं ना आजकल राधा रमन गिरीधरी राधा हमेशा नहीं बोलते हैं हम ठाकुर का नाम लेकर बोलते हैं पहले जमान में जो कीर्तन गाते थे ना वो ऐसे बोलते थे राधा रमण गोपाल भट्टेर प्राण धन है <laughs> क्योंकि उनका भक्त का नाम नहीं लेंगे ना वो सुख नहीं होते हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं अगर भगवान पूछेंगे तुम कौन हो जिनका परिवार के आदमी हो ना समझ रहे हो ना आपका परिवार के आदमी है आप उनको कुछ पूछ सकते हैं कुछ मांग सकते भगवान ऐसे कोई मांगते हैं ना वो तो जगत का मालिक है कुछ पैसा वगैरह दे देते हैं डिजायर फुलफिल कर देते हैं लेकिन भक्ति जब मांगते हो ना तो ठाकुर पूछेंगे तुम कौन सा परिवार की हो फैमिली तुम्हारा कौन है इसलिए हमारा परिवार है ना हम नित्यानंद की परिवार हमारा परिवार नित्यानंद है ना हम गौड़ी संप्रदाय है परिवार नित्यानंद नित्यानंद परिवार से है हमारे और प्रभुपा जी आए अगर प्रभुपा जी अगर राजबिहारी पूछेंगे तुम किसका हो हम क्या बोलेंगे जब बोलेंगे मैं प्रभुपा जी का हूँ आपका शुद्ध भक्त का चरण काल का में आश्रय लिया हूं तब तो खुश होते हैं महत् तीर्थ महत्व संबोधन के विप्र तुम सावधानी से सुनो तुमको भागवत सुनना है ना शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं तुम भागवत सुनना है ना भागवत कर्ण में प्रवेश नहीं करेगा तुम नहीं सुन सकते हो फिर सुन लेते हो ना भाव उद्रेक नहीं होता है रुचि नहीं होता है कथा सुनते लेकिन कथा रुचि नहीं कथा रुचि का मतलब आवेश रहता है कथा का तीन विभाग होता है ना श्रवण स्मरण निधिध्यासन तीनों है श्रवण कर लेते हैं लेकिन स्मरण नहीं होता है कि मत सेवा स्मरण स्म क्या सुने ना उसको स्मरण होता है इसका निदिध्यासन जो सुने हो ना उसको करने के लिए प्रयास करना कथा तीन एक कथा का तीन स्टेप है लेकिन हम तो एक स्टेप में रह सुन लेते हैं इधर चले जाते हैं फिर गया दिमाग से चला जाता है जो सुने उसको कार्य कर, करने, करने के लिए कोई प्रेरणा भीतर से नहीं आ रहा है क्योंकि महत्व निष्पापस्य महत्वा सत तथा धर्म श्रद्धा श्रवण इच्छा तत्ति ही ये क्रम है कैसे कनेक्टेड है <laughs> कथा में रुचि कैसे आता है बोल रहे हैं मत सेवा सप्त धर्म में श्रद्धा चाहे आप ठाकुर जी का सेवा कीजिए कोई डिपार्टमेंट प्रीचिंग कीजिए कुछ भी कर रहे हैं ना ये गुरु का सेवा है रूपा जी का सेवा है मत सेवा है ये कॉन्शियसनेस ये चेतना कृष्ण कॉन्शियसनेस शुरू होता है मत सेवा कॉन्शियसनेस जिन लोग का मत सेवा कॉन्शियस नहीं है वो कृष्ण सेवा नहीं कर सकते नहीं वो कृष्ण सेवक नहीं है मत सेवा सत्त तत्धर्म में श्रद्धा सेवा करते इसलिए तत् धर्म में श्रद्धा जो महात्मा लोग का जो धर्म है इसमें श्रद्धा होता है विश्वास होता है सेवा का साथ ये संबंध है जैसे हम सेवा कर रहे हैं ना फिर हमारा विश्वास नहीं है मत मतधर्म मत, मत सेवास्यात धर्मो धर्म श्रद्धा तत्श्रवण इच्छा श, 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 कितना स्टेप हो गया सेवा इसका श्रद्धा थार्ड है श्रवण इच्छा क्या महत्व बोल रहे हैं इसमें मेरा क्या भलाई होगा ये ध्यान पूर्वक हम सुनते हैं उसको मनन करते हैं उसका उसको निधि प्रयास करते हैं मुझे करना है हमको सुनने को अच्छा लगता है तो मनंत नहीं रहता है और करेंगे क्या हम इसका क्रम है सेवा से तो धर्म श्रद्धा जो जितना सेवा करते हैं महत्लो का सेवा करते हैं तत् धर्म में महत जो धर्म आचरण करते हैं इसमें श्रद्धा होता है विश्वास होता है इसलिए ये कन्फर्म हो गया ना शास्त्रीय श्रद्धा कब से आता है कब आता है जब महतलो का सेवा आप करते हैं इससे पहले हमारा कोमल श्रद्धा है इतना जो धर्म उन्होंने पालन किए जो प्रचार किया इसमें श्रद्धा नहीं हो रहा है क्यों सेवा नहीं कर रहे तथा श्रवण इच्छा विश्वास होने का बाद श्रवण का इच्छा होता है तथा कथा रुचि ही उसका बाद कथा में रुचि होता है तब तो कर्मफल विनाश हो जाता है इसका पिछला वर्ष है ना पिछला वर्ष में कनेक्ट है ना तदनुध्यासिना युक्त कर्म कर्मबंध नि छिदंती कोविदा रति ही इसे कोई आदमी जो कथा में रुचि नहीं भगवान की कथा में रुचि नहीं रखते तो इसका प्रश्न अगर ब्राह्मण लोग प्रश्न करेंगे ऋषि लोग प्रश्न करेंगे कथा में रुचि नहीं आ रहा है मुझे पता है कथा का महिमा ऐसा है तो क्या करना चाहिए तब ये उत्तर है शुश्रू शु श्रद्धा धान महत्व पुण्य मत सेवया पुण्य तीर्थ पुण्य तीर्थ तीर्थ जाते हो कि नहीं कहाँ जाते हो अरे वृंदावन तीर्थ है क्या वृंदावन मायापुर तीर्थ नहीं है भगवान का घर है प्रयाग जाना तीर्थ है चारधाम करना इसको कभी तीर्थ नहीं बोलना चाहिए ये हमारा घर है ठाकुर जी का घर है <laughs> जी का घर में जाते हो घर में जाते हो कैसे जाते हो खुश में जाना चाहिए वो तीर्थ नहीं तीर्थ जाते हैं पुण्य कमाने के लिए हम घर में जा रहे हैं सेवा करने के लिए कभी तीर्थ नहीं समय आउटअर्डली पब्लिक लोग तीर्थ बोलते ये तो हमारा भगवान की घर है और कहाँ अलग तीर्थ होता है पुण्य तीर्थ ये भी तीर्थ है हम तीर्थ में रह रहे हैं जैसे देखो पुरी में रहने वाले को पता नहीं वो माच मछली खाते हैं उनको पता नहीं ये तीर्थ है उसी बीच में जाते हैं माच मछली खाते हैं शराब पी लेते हैं चयात अवज्ञान जो जिधर रहते है ना उनका परिचय नहीं होता है लिखा है ना सुने ना भर्ष अति भिल्ली अवज्ञा भिल्ली, गिल्ली चंदनमत तरु समझ सवरी। चंदन का जो पेड़ है ना चंदन का पेड़ है उसके पास रहता है उसको क्या पता है ये चंदन का वैल्यू कितना पता नहीं हो वो पेड़ को वो काटती है और कुकिंग करती है <laughs> जलाती है क्यों अति परिचय हाँ ये चंदन का पेड़ है पास में हम लोग ऐसे हम तीर्थ में रह रहे, रहे हैं समझ रहे हो नहीं तीर्थ है जो तीर्थ है हम सुने हम सुने और ये अनुभव भी है जो हमारा गुरुदेव थे ना बोलते ये भुवनेश्वर तीर्थ है क्यों मेरा गुरु जी इधर आए मेरा गुरु जी का लोटर कभी हम भुवनेश्वर भुवनेश्वर छोड़कर कभी कभी हमको नहीं छोड़ते थे कि तुम जा वृंदावन घूम कर आओ पूरी कितना दूर रहे सिक्सटी किलोमीटर कभी साल में एक दिन भी आप नहीं जा सकते हो ये प्रभुपा जी स्थान तीर्थ है ये विजन हम लोग का नहीं है ये पुण्य इधर कोई भी सेवा करता है ना भाई इधर तुम जी जाएंगे जैसे धाम में तुम बोलते हो क्या ये राधारण का धाम है इधर ऐसे खा पी कर सो जाओ फिर भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा समझ रहे हो ना इधर भी तुम खा पी कर सो जाओ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा लेकिन टिक कर रहो ना इसे विजन होना चाहिए ये तुमको पता होना चाहिए पुण्य तीर्थ है प्रभुपाद इसको लगाए भक्ति भक्तिम ठाकुर का जो भजन है वो लिखे हैं मन तीर्थ इसमें है ना जहां साधु तहा तीर्थ स्थिर करी निज चित्त साधु संग कर निरंधर जहां साधु होते हैं ना तीर्थ होता है ठाकुर कभी छोड़कर नहीं जाते कभी नहीं जाते इसलिए जो मंदिर होता है जैसे डेटीज डेटीज विग्रह जो है ना बाजार में नहीं है क्या विग्रह नहीं है उनको हम डेटी नहीं कर सकते हैं? नहीं चार जो है अपराकृत है वो डेटी को मैनिफेस्ट करते हैं पहले साधु तुलसी भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्ता विग्रह कृष्ण यही चार ही जीवन यास करी ले से मूर्ति पूज्य है इसको पता नहीं चलेगा तो ठाकुर जी को आप क्या प्रार्थना करें वैष्णव क्या वैष्णु जी क्या प्रार्थना आप करेंगे चेतन भागवत का सिद्धांत है चार जन्म से भगवान है उनको प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है भागवत ओरिया में भागवत जन्म है <laughs> भागवत जन्म जैसे कृष्ण जन्म बनाते हैं ना हमारा भागवत जन्म होता है गांव गांव में भागवत जन्म खाना पीना चलता है और भागवत पढ़ाई करते हैं भागवत जन्म जिस दिन सुखदेव गोस्वामी ने बोला था उसको भागवत जन्म मानते अपराकृत है लेकिन हम भागवत पढ़ते हैं हमको पता नहीं चाहिए अपराकृत प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है भागवत और तुलसी और गंगा और भक्त और आपको पता है आचार्य लोग कमेंट्री में क्या लिख रहे हैं भक्ति सिद्धांशेश्वर ठाकुर भक्ति विनोद कृष्ण का पहला कृपा क्या है बोलो साधु ये साधु जब तक तो इस संसार में नहीं आते हैं ना जैसे प्रभु आए महामंत्र थे कि नहीं हरे कृष्ण करने वाले थे राम राम करने वाले थे लेकिन ना तो बीड़ी छोड़ने में सक्षम थे ना मछ मछलिया चलने में सक्षम थे ना उनको पता था कि राम नाम हरि नाम में सब कुछ है वो करते हैं करते हैं ऐसे मैनिफेस्ट नहीं होते साधु प्रकाश का फर्स्ट सवार मर्सी साधु सेकंड सवार मर्सी साधु जी डेटी भागवतम तो मैनिफेस्ट है हर समय जब तक साधु भागवत नहीं बोलते हैं, साधु भागवत मैनिफेस्ट नहीं होते हम लोग गीता पढ़ते थे कि नहीं आपका पिताजी भी गीता पढ़े हैं हमारा पिताजी भी गीता पढ़े हैं वो भक्त बने थे देखो <laughs> वो मैनिफेस्ट हो गए ये दृष्टि जब साधु का ऊपर नहीं रहता है थोड़ा श्रवण कीर्तन होता है एक विज़न, डिफरेंट विजन है ये दृष्टि में साधु को दिखना चाहिए हो ना? कोई जनरल कैटेगरी में नहीं लेना चाहिए वो इसने बड़ा महात्मा थे वो ऐसे थे भाई कोई भी हो हमारा पास जो भगवान आए ना भगवान जिनको भेजे ना उनके लिए स्पेशल पोजिशन चाहिए ये मानन जब तक नहीं रहता है ना तब तक भजन नहीं होता है पुण्य तीर्थ निश्चे बना मत सेवा और हमको छोड़कर चले जाते हैं साधु साधु को पता है ना साधु का बाणी है साधु का बाणी क्या है हमारा हाँ गुरु जैसे बोलते थे कृष्ण का बांसुरी वंशी तुम सुने हो कृष्ण का बांसुरी ध्वनि सुने हो कब सुनेंगे गुलंदन जाने के बाद क्या बोलते हो अरे जाने से पहले तो सुनो उसका बात तुम भीतर जाएंगे शुद्ध भक्त जो बोलते हैं ना जैसे बांसुरी सुन लेते हैं ना आकर्षण आ जाता है किस किसका दिशा में कृष्ण की दिशा में कृष्ण कहां है कृष्ण कितना मधुर है आचार्य लोग ऐसे कंपेयर किए तुलना किए ये शुद्ध भक्त जो कीर्तन करते हैं ये बाँसुरध्नी जैसे जैसे बाँसुरुध्वनी गोपीलो को बहुत ममता प्रेम आकर्षण वो लाती है ना हृदय में इसे कंपेयर किया शब्द ब्रह्म है ये ज्ञान, क, ज्ञान का प्रकाश नहीं है शब्द ब्रह्म का प्रकाश इसमें अंतर में एक संस्कार पैदा हो जाता है देखो प्रभुपत को जब प्रभुपत जो बोलने लगे विदेश में एक संस्कार पैदा हो पुण्य तीर्थ नीचे बड़ा देखो भौरा जैसा उनका पीछे पीछे घूमते थे प्रभुपत कुछ ही बोलते ना करो चिल्ला चलाते थे अभी बोलना पड़ता है करो करो घंटा करो दो घंटा करो चार घंटा करो पीछे पीछे टेपल कमांडर पढ़ते दिन भर टेम्पल कमांडर का काम यही है तो कमांडर क्या है ये नौकर बन जाता है कमांडर लोग बैठते हैं अर्डर देते हैं अभी अर्डर नहीं वो घूमना पड़ता भाई तू सेवा करो तुम सेवा करो तुम सेवा करो देखो के समय एक संस्कार पैदा हो जाता है क्योंकि सेवा ममता दृष्टि था शुद्धभुक्त का समापना रहना चाहिए भलाई हो जाता है पकड़ लो ना तुम जीवन में किसका पर ममता है तू देखो भगवान का पर है हम लोग का कुछ नहीं जब तक शुद्ध भक्त चरण कमल को हम नहीं पकड़े ना कभी ममता नहीं होता ये भागवत का सिद्धांत है जितान है वैष्णव गण से वृंदावन शुद्ध भक्त का चरण कमल है ना वृंदावन ये भाव अलग भाव है ये हम प्रॉब्लम देखते हैं है ना जब प्रोपा तो इधर प्रॉब्लम नहीं थे रोबत क्या बोलते थे मैं सुनता था मैं फौरन सुनता हूं जब कुकिंग करता हूं ठाकुर के जिगले हूं। जी के लिए सुनता हूँ रोबा इसे आनंद में बोल रहे थे प्रोबत बोला देखो मैं मैं इतना सरल आदमी था मैं सोच रहा था कि मैं एडवांस दे दिया ये लैंड के लिए जू लैंड के लिए वो अच्छा आदमी है और वो आदमी क्या सोच था ये बाबा जी कहां से पैसा ला कर देगा ये बुद्धू है मुझे एडवांस दे रहा है रोहत बोल रहे थे मैं सोच रहा था वो बहुत अच्छा आदमी है तीन लाख रुपया लेगा अभी थोड़ा ले रहा है इसका बाद में थोड़ा दूंगा लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरा पास इतना पैसा है जो बोलते हैं ना एक अलग भाव पैदा होता है ठाकुर जी के लिए सुना है ना मैं सुना हूं प्रभाजी को भक्त लोग बोलते हैं इस छोड़ दीजिए ना इतना झमला हो रहा है प्रभा जिद जी, हिंदी में बोलते हैं ना जीद, हा? हा, जीद में उदोर बोलते हैं प्रपद अंग्रेजी में स्तबन बोलते है ना प्रपत कभी ऐसे नहीं थे लेकिन जू के लिए ऐसे हो। वो तंग हो गए क्योंकि वो विदेशी लोग थे कितना परेशानी कर रहे थे इंडियन लोग का पता है ना पीछे 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 तो समाधि में चल जाएंगे ना उधर भी वो कोई एलिगेशन डाल देंगे मर जाते हैं ना तो समाधि ये समाधि जो जहां बना है ना भाई वो मर गया है ये लैंड उनका नहीं है इसको क्यों समाधि दिया गया है इंडियन लोग ऐसा होता है कम से कम याद रखो जो चले जाते हैं ना पॉलिटिकल लोग भी इसे नहीं करते हम वैष्णव हैं चले जाने देखो जो क्या है इंदिरा गांधी और मोदी है राहुल गांधी उनका भी जमता है क्या विरोधी है लेकिन कोई शरीर छोड़ देता है ना उसका बात कोई नहीं बोलता है अगर बोल देता है ना ये एलिगेशन लग जाता है शरीर छोड़ दिया क्यों बोल रहे हो भाई हम लोग तो छोड़ते नहीं है समाधि का पास भी कुछ टाप लगा देता है ये इनका समाधि नहीं इतना है इतना ईर्षा है पत बहुत जिदकोर थे <laughs> मेरा याद रहते जब दर्शन कर रहा था प्रपदत तो शिष्य लोग बोले प्रपदत हमको छोड़ देना चाहिए लैंड और जो वेलुई सर थे वो भी बोलते प्रपत को बोलना चाहिए होना चाहिए क्या इतना कर क्या होना चाहिए प्रभात बोलते नहीं आई ऑलरेडी प्रोमिज राधा प्रोमिज क्या हूं? मुझे देना है देखो साधु का किसा ममता है प्रोमिज साधु का क्या है यही प्रोमिज है मुझे आपके लिए कुछ करना है जो ममता है ना भीतर है ये ममता का भाभीधार है इसलिए देखो क्या हो रहा है आज <laughs> कहा जी दे देते हैं कहां से कितना लोग आते हैं कितना लोग का कल्याण होता है लेकिन हम जैसे भिल्ली जैसे हैं तीर्थ में हम रह रहे हैं ये सब तीर्थ है प्रभुपाद का जो मंदिर है शुद्ध भक्त का जो मंदिर है विग्रह है सेकंड शावर ऑफ मर अभी भी प्रभुपाद के शिष्य लोग है ना ये जनरेशन है हमको हम भाग्यवान है ना सीखना चाहिए ममता कैसे गुरु जी से और उसका वाद ये भी सेवा है किसका सेवा है प्रभुपाद जी की सेवा है पुण्य तीर्थ निशे हाँ आज तो बलदेवी मुझे बोले थे प्रभु जी आज बलदेवी देवसण का तिरुभाव तिथि है और गंगा माता की आविर्भाव तिथि है क्या बोल रहे हैं आप लोग तो सब पता है आजकल तो सो आपको पढ़ रहे हैं आप बलदेवी देवसण को पता है ना पुण्य तीर्थ वो दूसरा संप्रदाय में थे हमारे संप्रदाय में पहले नहीं थे लेकिन जब उनको पता चला कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर ऐसे प्रेमिक भक्त है उनका पास आए पुण्य तीर्थ निशे थे वृंदावन में फिर पुण्य तीर्थ सेवा करना पड़ता है समझ रहे हो जैसे दुखी कृष्णदास श्यामानंद प्रभु आए वृंदावन ऐसे नहीं बोले कि मैं वृंदावन परिक्रमा करूंगा गोवर्धन परिक्रमा करूंगा नहीं जीव गोस्वामी बोले झाड़ू लगाओ झाड़ू लगाने लगे वो पढ़ाई के लिए आए थे अभी क्या बोले मुझे पढ़ाई करना है साधन करना है क्या साधन करना है तुमको मन का साधन या धन का साधन कौन सा साधन करना है यही तो साधन है हम लोग का गुरु जो बोलते हैं करो यही साधन वो आए थे पढ़ाई करने के लिए लेटर लेकर परमिशन लेटर गुरु जी उनको भेजा था उनको विष्णु शास्त्र पढ़ाओ इनका रिचि है वो आए जीव गोस्वामी बोले चलो झाड़ू लगाओ वृंदावन की भाव है हम <laughs> लोग का भाव कैसा देखो पुण्य तीर्थ का सेवा जीवन बोल रहे चलो झड़ लगाने लगे तो राधाराणी का दर्शन हो गया ना अरे जब चक्रीपात का संग किया ना विश्वनाथ चक्र तो उनको पता चला विष्णु सिद्धांत कितना सुंदर है गुड़िया सिद्धांत कितना सुंदर है पहले उनका तो गुरु राधा राधा दामोदर उनसे सुना थोड़ा बात उन्होंने भेज दिया तुम जाओ चक्रपति का जाओ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपति का जितना कमेंट्री है ना ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भागवत में और भगवत गीता में सब बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री है <laughs> सब कमेंट्री देर हमारा गुरुदेव ऐसे बोलते हैं एवरीथिंग इन प्रभुपाद बुक्स कनिष्ठ के लिए कनिष्ठ शिक्षा है मध्यम के लिए मध्यम शिक्षा है उत्तम के लिए उत्तम शिक्षा सब है आ भागवत उत्तम तमो बनी जाए उत्तम का उत्तम भी फिर बन जाए उनका टीचिंग इधर क्योंकि आचार्य का जो फॉलोर होता है ना उनका पास कंप्लीट टीचिंग आचार्य का फॉलोर हम नहीं होते है ना पार्शियल टीचिंग से जो आचार्य अनुगत्य रहते है ना प्रद इसलिए आजी टीजे बोलते थे देखो ना आजी टीजे बोलते थे अच्छा कृपाद ऐसे रसिक है ना बहुत बड़ा रसिक है उनका संग जो बलदेव विद्याभूषण किया ना कृपा कृपा पात्र हो गए वेदांति थे ना बलदेव विद्याभूषण उनका कमेंट्री पढ़िए ना दिमाग खराब हो जाता है तो बहुत सरल है दशम जो कमेंट्री है देखो न, उनका है, ना उनका व्याख्या बिल्कुल वेदांति है समझना बहुत मुश्किल है जो संस्कृत पढ़े वो लोग समझ सकते हैं और वेदांत भाव चला गया अब रस भाव आ गया पुण्य तीर्थ <laughs> चक्रवात का संग करके इसीलिए जब वो राजा तो, तो दिखा लिए थे जयपुर का राजा आपको तो पता है, है लिए थे ना तो उनको रामानुज जी वैष्णव लोग ने बोले राधारण का सेवा नहीं करना है गोविंद का साथ बोले हटाओ इधर वो तो द्विविधा में पड़ गए उनको पता नहीं था सिद्धांत आपको पता नहीं है ना आप, आपका माइंड को बैलेंस नहीं कर सकते दूसरे को क्या प्रिचि करेंगे आपको सिद्धांत पता नहीं तो आप कहा भी आपका माइंड में कुछ आ जाएगा तो उनको पता नहीं उन्होंने चक्रपाद को मैसेज डाले संवाद प्रण किए देखो ऐसे रामानंद संप्रदाय की मर्यादा रखना चाहिए समझ रहे हो ना संप्रदाय की मर्यादा इसी में भी आप तर जाएंगे घोड़े संप्रदाय महाप्रभु इस संप्रदाय को मंडित किए ये गर्व हमारे अंतर में है और हम रहते हैं में में कोई बोल देता सब क्या है? का घर है तुम्हारा कोई व्यक्ति से दोष है कोई डिवोटी से है स्कन से क्यों बोल रहे है? का नाम नहीं ना है। बोना समझ रहे हो ना स्कन का कोई भक्त का साथ तुम्हारा नहीं जम रहा है वो कुछ कर रहा है मतलब प्रपतध का घर है मिशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गुरु गुरुस मिशन इज गुरुस बड़ी ये भक्ति ठाकुर का स्टेटमेंट है।, है ना भक्ति ठाकुर का मूल बोलते हैं ना उसमें बना है। देखो कुंडा कुंड वो बोलते थे यही वृंदावन है गुरु जी का मिशन को कोई डिबोड़ी क्या कर रहा है वो पर्सनल है वो डिबोड़ी नहीं रहेगा समझ रहे हो ना वो डिबोड़ी नहीं रहेगा ट्रेन ऐसा चलता है टिकट वाले आते हैं कोई टिकट नहीं करते हैं वो आते हैं जाते हैं लेकिन ट्रेन तो चलता है कोई नहीं आएगा भी फ्री ट्रेन चलेगा इसका नशे है प्रभुपा जी का घर है कोई कुछ कर रहा है तो छोड़ दीजिए ये विजन तब नहीं होता है भजन नहीं होता है अभिमान एक संप्रदाय के लिए एक आपका अभ, स्पेशल अभिमान रहना चाहिए गुरु के लिए शुद्ध भक्त के लिए अभिमान रहना चाहिए इसे भलाई हो जाता है तो उनको तो पता नहीं था वो तो चक्रपात को बोले चक्रीपाद ने बोले मैं तो अभी नहीं जा सकता हूं तब बल विद्याभूषण को बोले तुम जाओ कृपा पात्र <laughs> कृपा दे दिए चलो देखो गुरु कृपा से कृष्ण कैसे मिलते हैं वो तो वेदांती थे लेकिन तुम वेदांति हो सकते हो गौड़ीय सिद्धांत को लेकर हमारा हमारा वेदांत सूत्र कौन है भागवत है इसलिए महाप्रभु ने भागवत को स्वीकार किया इसलिए हमारा कोई आचार्य सूत्र नहीं लिखते हैं जैसे रामानुचार्य में कोई जगत बनता है ना उनको एक वेदांत भाष्य लिखना पड़ेगा कोई संप्रदाय में उनका जो जगत गुरु में बैठते हैं ना प्रेजेंट आचार्य होते हैं उनको एक भाष्य लिखना पड़ता है हमारा सब भागवत का अनुगामी है इसलिए हमारा धर्म को भागवत धर्म बोलते हैं कभी कभी लोग बोलते हैं ना ये वाले उनको कोई ग्रामर नहीं पढ़ते हैं संस्कृत हमको कोई ग्रामर नहीं पढ़ना चाहिए हमारा ग्रामर जितना बड़े बड़े वेदांती है ना वो सिर्फ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हमको रस चाहिए वेदांत क्या चाहिए वेदांत का अंतिम जो देखो सबसे बड़ा वेदांत इसके विद्याभूषण उनका घर वालेश्वर में मैं अभी गया था उनका ठाकुर आप तो देखे जन्म स्थान लेकिन उनका ठाकुर है वो खुलते नहीं है इतना राधारमन जैसे देखे हो ना राधारमन जैसे आपका दिल टूट देखने से ना इतना सुंदर छोटा ठाकुर बिल्ला बिल्कुल राधारमण जैसे पूर्वज सेवा कर रहे थे बल्देविधा पूर्वज बालेश्वर से रमुना श्रीधर स्वामी उधर भी है <laughs> वो क्या किए घुड़ी संप्रदाय में आए फिर महामंत्र करने लगे देखो गुरु कृपा से किसी बल... चक्रवाद ने कृपा कर दिया ना बलदेव विद्याभूषण ने गए और उनको तो परास्त कर दिए वेदांत दृष्टि से परास्त कर दे लेकिन वो लोग चाहते कि तुम भाष्य रचना करके दो भाष्य रचना का मतलब ये होता है ना वेदांत से लाना है तुम्हारा सिद्धांत को मिलाना है जैसे तो हम हम लोग आधारणी की उपासना कर रहे हैं कैसे भाव से नहीं जय जय जो, जो लस सार पर क्या भाव है जहा ब्रजित प्रसार कभी लक्ष्मी भाव से नहीं हमारा ऐश्वर्य भाव है तो तो लक्ष्मी लेकिन हमारा भाव यही है सांप्रदायिक भाव यही है ना तो अगर लक्ष्मी भाव है तो तुलसी क्या तुलसी कौन है? है।, है राधा रानी का दासी है क्या प्रार्थना करते हैं राधा कृष्ण से बाप बाबू है ना सखी रनुगत कर सखी रनुगत क्या लक्ष्मी का सखी बनेगी नहीं, नहीं सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा सिद्धांत विरुद्ध हो जाता है तब चक्र चक्रवात कृपा जो रानी को उपासना कर रहे हैं पर भाव से उसको प्रमाण देना है बेदन से लाकर भागवत से लाकर आचार्य सूत्र से लाकर हमको देना है वो तो बोल दिए परास्त कर दिए लेकिन उन लोग को भाष्य चाहिए तब गोविंद ने स्वप्न में आए गोविंद बोले देखो चक्रपात कृपा की है ना तो गोविंद बोले तुम जो भी लिखेंगे ना भाष्य बन जाए वो मानेंगे इसलिए प्रभुपा जी ने देखो इतना ममता करते आचार्य लोग को जो डेडिकेशन की है क्या लिखे है प्रभुपात <laughs> विद्याभूषण को समर्पित करता जब तक तो आचार्य भाव में हृदय समझ रहे ना आचार्य का ऊपर हृदय में कृतज्ञता भाव आता है वो मुझे जिला रहे मुझे खिला रहे उनका धन है उनका ज्ञान है तब तो जैसे प्रभुपाज को देखते है ना ऐसे भावना ना जब तो देख ले तो खुश हो जाते प्रभु जा, आप मुझे जिला रहे आज जी रहो आपकी वजह से ये बड़ा काम नहीं आपका घर में देखो समझ रहे हो ना जैसे हम संन्यासी है घर किसका है क्या हम रुबत को डंडर दिखाएंगे उनका घर है वो हम कर रखे हैं समझ रहे हो ना कुत्ता चाहे कितना करो कितना चोर को चोर को मार देता है लेकिन फिर कुत्ता है भाई कितना धन को प्रोटेक्शन देता है फिर कुत्ता है हम कितना ज्ञान देते हैं कितना चेला वो ना कुछ भी करो कुत्ता है घर उनका है ये आचार्य भाव है तब तो ठाकुर जी खुश हो जाते सभी हर समय यही देखिए जितना प्रसंग आए आचार्य लोग भाव पकड़ कर रखे भक्त भाव को पकड़ कर रखे इसमें ममता होता है तो बल्द विद्याभूषण ने उन लोग को परास्त किया और वो लोग चाहे कि बल्द विद्याभूषण का अनुगमन करे जैसे दिख्या लिए लेकिन उनको सिद्धांत पता था ना मना करे तुम्हारा मनन दियो आपका संप्रदाय में आप दिखा लीजिए मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा चक्र विश्वनाथ चक्रवर्ती चले जाने के बाद वही सम्राट बने और उन्होंने वेदांत सूत्र जिसे चैतन्य चरित का जो सिद्धांत है भागवत का जो सिद्धांत है उन्होंने सब लिखे बल बल देवी सुन इतना सुदन सु, 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 सुंदर से लिखे है ना बहुत हम लोग तो संस्कृत नहीं जिन लो पढ़े जिन लोग पढ़े हैं ना आप लोग आजकल आ रहे हैं प्रभुपत किताब में सब कुछ है अगर किस किन लोगों का इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए सेवा करके प्रभुपद का अनुगत्य पढ़िए साधु अनुगत्य नहीं रहता है ना शास्त्र भी काम नहीं करता है फिर आप दोस्त देखते हैं जितना ग्रामर ग्रामर पढ़ते ना वो देखते हैं प्रभुपत तुम सुनते हो पढ़ते हो कमी देखते हो ज्ञान हो गया इसलिए अनुगत्य में पढ़ना चाहिए किसी किसी सुंदर सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत वो लिखे विद्याभूषण लीला कैसे नित्य है एक ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड जो पार्षद लोग कैसे जाते हैं इसका बीच क्या हो रहा है इसको शुरू लिखे हैं गोल वृंदावन का जो विस्तृत वर्णन उसको लिखे विदांत थे, उनका आज तिरभाव तिथि है और गंगा माता की गंगा माता गए भुवनेश्वर पूरी गए हैं ना आप देखिए उनका मठ ठाकुर कौन है देखो शार्वा भट्टाचार्य घर है ना वो उधर एक बड़ा डेटी है ब्लू ब्लू कलर का है ना छोटा डिटी है वो रसिक रहा है वो आए थे जयपुर आपका जयपुर है ना ये जयपुर का जयपुर में एक ब्राह्मण रखते थे <laughs> देखो भगवान आते थे हमारा परंपरा कितना महान है वो तो सची देवी थे गंगा माता बाद में बने श्वेत गंगा में स्नान उनका इच्छा था कि प्रयाग आने के लिए लेकिन वो क्षेत्र सन्यासी लिए थे क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे जो पहनना है वो क्षेत्र का होना चाहिए धाम का होना चाहिए खाना पीना सब धाम इसको क्षेत्र सन्यासी बोलते कौन क्षेत्र सन्यासी थे महाप्रु का पार्षद पंडित क्षेत्र सन्यासी मर जाओ सेवा के लिए सब कानून तोड़ना है इसलिए हमारा ज्यादा पर्सनल भो नहीं पहले जमन में छत्र में से करते हैं ये करते हैं, करते हैं तुम कुछ भी करो गुरु का सेवा करना है समझ रहे हो ना गुरु बुला रहे हैं तो सबका भोज छोड़ना पड़ेगा ये हमारा भो यही है इसलिए बोले रसातल है मेरा क्षेत्र सन्यास रसातल महाप्रभु बोल रहे तुम क्यों जा रहे क्षेत्र छोड़कर जाना अच्छा नहीं ये तुम्हारा धर्म है नहीं प्रभु जी मैं आपका साथ जाऊंगा छोड़ <laughs> दीजिए वो आपको क्षेत्र सन्यास में क्या जरूरत है वो भी क्षेत्र सन्यास लिए थे सची देवी राजा का समझ रहे हो ना भिक्षा मांग रहे थे हम बोलते मुझे स्टैंडर्ड चाहिए क्या स्टैंडर्ड चाहिए क्या स्टैंडर्ड चाहिए हम लोग का कुछ स्टैंडर्ड हम लोग का का गुरु पसंद न करे क्या स्टैंडर्ड है तुम कितना पढ़ाई करो इधर बाथरूम साफ करना पड़ेगा शिष्य कर लोग तुम बड़े हो क्या विदेश में पढ़ने वाले उसी जमाने में विदेश में पढ़ने वाले थे इसी जमाने का नहीं है समझ रहे हो ना पेड़ में जैसे क्या बोलते हो केमिकल डालते हो क्या फर्टिलाइजर डालते हो अभी फर्टिलाइजर डाल के तुम लोग पढ़े हो कोचिंग 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 ये कोचिंग का बुद्धि है तुम्हारा बुद्धि है थोड़ा समझ रहे हो ना बचपन से कोचिंग माँ जी का कोचिंग टीचर का कोचिंग कोचिंग लेकर इधर आ गया इसीलिए का में। फिर देना पड़ता है चलो अफ्रीका एक लगज पकड़ो वही ट्रेनिंग चलो अब चल, अभी क्या है ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेमिनार सेमिनार फिर बोलते प्रभु जी ऐसा होता है क्यों कोचिंग में पढ़े हो ना तो <laughs> कोचिंग में पढ़े हो ये फर्टिलाइजर देकर जैसे पेड़ को लोग देखो उस समय टैलेंट है विदेश में पढ़ रहे थे सबको प्रबत पकड़ लिए अरे उन आकर्षित हो गए ना इसे एक साधु है जो बोलते हैं उनको उनके दर्शन करते थे देखो प्रभत की वाणी सुने हो ना आप लोग कितना संगत वाणी बोलते हैं हमारे गुरु जी कहा करते थे साधु इज ऑल अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव जब साधु का ऊपर इस आकर्षण नहीं रहता है ना कृष्ण अट्रैक्टिव नहीं होते कृष्ण जल अट्रैक्टिव कृष्ण का मतलब यही है ना पहले साधु ही जल से वाला अट्रैक्टिव <laughs> साधु ही ऐसे है इसलिए प्रभुपद को बोले ना शिष्य लोग प्रभुपद आप इतना क्यों सुंदर लगते हैं आपका गुरु है हम देखे हमारे पिता माता को देखे सबको देखे प्रभुपद थोड़े मौन रहे दिस इज नेचर ऑफ साधु बस फिनिश <laughs> <laughs> वो जैसे बोलते हैं इतना आनंद लगता है दिस को वाले कोई नहीं उनका पिता माता डराते नहीं देश भी छोड़कर चले जाते हैं समझ रहे हो ना यूरोप में जिनका भिसा है ना उस देश में नहीं रहते हैं, वो लंडन चले जाते हैं उनको डरना संभव नहीं है क्या बोलते थे नॉनसेंस व्हाट यू आर सेइंग सुने जैसे डांटते थे वो डरते थे अट्रैक्टिव पावर है सधु है ना एम्पावर्ड है ना अट्रैक्टिव है सखरे फर्स्ट आवर ऑफ मर्सी कृष्ण ने कृपा की ना कृष्ण कृपा ही इसलिए कृष्ण कृपा से मूर्ति हमारा गुरु जी क्या करते तुम इतना बुगोस हो तुम कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हो रस बिहारी को मुझे कृपा करो मुझे कृपा करो वो बोलेंगे मेरे पास कृपा है क्या मेरे सामने जो बैठा है ना कृपा सागर में हूं लेकिन मेरे पास एक बूंदी एक बूंद कृपा भी नहीं कहां गया मैं सागर को छोड़ दिया हूं कहा छोड़ दिया तुम्हारे लिए मैं भेजा हुआ ना जाओ तुम्हारे पास इसलिए हम क्या क्या पढ़ाई करते हैं वैष्णव बैष्णव ठाकुर दयार, सागर देखो वंशा कल्भतर कृपा सिंधु ये बच उधर देखो हे कृष्ण करुणा सिंधु उधर भी सिंधु है इधर भी सिंधु है कौन सा सिंधु तुम पीना है पानी इधर भी बीच में भी सिंधु है देखो इधर भी सिंधु है इधर भी राजविहरी है इधर प्रभुपाद जी है विजन अलग होना चाहिए भाई क्या को बोलना चाहिए आपका जो शुद्ध भक्त है ना उनका चरण का मन में थोड़ा मेरा मती हो जाए क्यों आप उनको प्रेम करते हो ना मैं अगर उनको प्रेम नहीं करूंगा आप मुझे फेंक देंगे भगवान को इसे प्रार्थना करना चाहिए प्रभुपाद प्रभाजी मुझे ठाकुर जी मुझे प्रार्थना की मुझे कृपा कीजिए जिससे प्रभु गुरु वर्ग आची अल्लुक से ममता करे वो आप लोग का बेटा है ना हम ठाकुर जी क्या बोलते हैं मुझे भक्ति दे दीजिए भगवान बोले तुम कौन हो भक्ति मुझे मांग रहे हो तुम कौन हो किसका हो तुम भक्ति लेकर क्या करेंगे तुम भगवान बनेंगे क्या भक्त भक्ति लेकर भक्त बनेंगे क्या भक्त लेकर भक्त का सेवा करो तो मैं भक्ति दूंगा ठाकुर जी इसलिए हमको भक्ति नहीं देते हैं भगवान को बता मैं भक्ति दे दूंगा ना मेरा भक्त को भूल जाएगा किसको भक्ति देते हैं जो भक्त सेवा करते हैं जितना भक्ति मिलता है ना तुम प्रेम स्तर तक जाते हो ना भक्त अभिमान प्रबल होता है इसको दिखाना है सीसी चले जाओ सब, सब कैसे दास है दिखाया ना अद्विताचार्य कैसे दास है नित्यानंद कैसे दास है सब भक्त अभिमान प्रबल हो जाता है ये भगवान की कृपा है जब जब जहां भी जाते हो ना पहला आचार्य लोग इधर है प्रपत का घर है प्रपत आप मुझे जिला रहे आपका शिष्य का मैं शरणांगत हूं आप थोड़ा कृपा दृष्टि कीजिए आचार्य भाव जब तक हृदय में वो बैठ जाता है ना तो हम जी लेते हैं होता है यही भजन का बल अब गए ना सची माता थे सच्ची माता राजा की लड़की थे पिता माता वो शादी नहीं किए वृंदा बना है और हरिदास पंडित थे उनका तो शिष्य बने उन्होंने मना किया तुम राजा के राजकन्या हो भोग से बड़े हो तुम बैराग्य नहीं बन सकते बोले नहीं मैं कर सकती हूँ भीख मांग कर खाने लगे वो इतना सुंदर ही थे ना सब डरते थे हरिदास को डर लगता था सुंदर एक दोष है दोस्त हो जाता है ना जन्म ऐश्वर्य श्री भी एक दोस्त होता है दूसरे का नजर आता है तुम्हारा ही भजन नहीं होता है बोले नहीं भजन कर सकती हूँ राधा कुंड में भीख मांग कर भजन किए उसका बाद वो देखने लगे कि उनका भजन पूरी चले जाना अच्छा है इधर मांगकर खाती है और उनको ऐसा भाव आया हरिदास मंडिंद्र बोले तुम जाओ सार्वज भाट, सार्वभ भट्टाचार्य का जो घर है ना जो स्थान है उसको रिवाइव करो चलने लगे उधर भागवत पढ़ते थे पुरी का राजा उनसे दिखा लिए सुंदर से भागवत पढ़ते थे लेकिन वो क्षेत्र संन्यास लिए थे उनका इच्छा हो गया कि मैं जाऊंगा थोड़ा त्रिवेणी में स्नान करूंगा लेकिन फिर सोचते नहीं मेरा धर्म क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए तब तो जगन्नाथ जी ने बोले कहां जाना है तुम श्वेत गंगा में स्नान करो इसमें तुमको फल मिल जाएगा तो श्वेत गंगा में स्नान कर रही थी रात में और जगन्नाथ जी का चरण कमल में आ गए और उधर जैसे फेस्टिवल होता है ना घंटा वगैरह लगता है हरिधुनी लगता है लोग नहाते हैं ऐसे आवाज आए मंदिर तो बंद है ठाकुर जी बुला लिया तो राजा लोग को खबर भेजे सिक्योरिटी लोग देखो अभी भीतर से इतना आवाज आ रहा है फेस्टिवल जैसा हो रहा है लगता है तो खुलने लगे तो खुलने लगे तो देखने लगे सची देवी है उनका पहला नाम सची देवी था तो उनको जितने बोले तुम इधर भीतर क्यों हो क्या चोरी करने के रहे थे? वो कुछ नहीं बोली जगन्नाथ जी लाए ना क्या बोलेंगे बोलने से लोग मान लेंगे तो उनको जेल में डाल दी तब तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया नहीं मैं उनको लाया थी उनका इच्छा था गंगा में नहाने के लिए और मेरा चरण कमल में गंगा है उससे उनका नाम पड़ा गंगा गंगा माता <laughs> तब तो से नाम पड़ा नहीं तो सची देवी उनका नाम उनका पास ठाकुर जाए थे वो जो छोटा बिगड़ कभी जाना पूरी दर्शन करना छोटा है ग्रीन डेट ब्लू डेट इज छोटा बड़ा बलान रशिक वो जयपुर एक ब्राह्मण पूजा करते थे लेकिन सेवा अपराध करते थे उनका वंश में कोई नहीं रहे तो वो प्रार्थना करने लगी मेरा वंश में तो कोई नहीं है मैं तो सेवा नहीं कर सकता आप बोलिए किसको आप किसका पास मैं आपको छोड़ूंगा तब तो वो बोले जाओ उधर गंगा माता है उनको दे दो सेकंड ऑफ मर्सी विग्रह है ना डिटी <laughs> है ममता करना चाहिए प्रार्थना करना चाहिए प्रेम से सेवा करना चाहिए जिसे हमारा गुरु जी कहा करते थे जिन लोग पूजारी है पिछले जन्म में कितना भाग्य है उन लोग का इसलिए आज ठाकुर जी का सेवा मिल रहा है भाग्य है ना ये सब सौभाग्य भाग्य तो नहीं सौभाग्य है तब उन्होंने बोले ठाकुर जी मुझे आप रखिए वो बोले नहीं नहीं मेरा गुरु का सेवा नहीं हो रहा है मैं ठाकुर जी का क्या सेवा करूं मेरे पास प्रेम है क्या बोले ठाकुर स्वप्न दिए हैं आपको देने के लिए राजनी स्वप्न दिए हैं तो बोले नहीं मैं मैं सेवा नहीं कर सकती हूं तो वो छोड़कर चले जैसे सनातन गोस्वामी को क्या मांगते थे मदन मोहन थोड़ा नमक दे दो ना वो डांटते थे मैं थोड़ा नमक दूंगा मैं विषय बनूंगा तुम्हारे लिए मुझे सेवा करना है अभी मेरा गुरु का सेवा करना है बड़े मुझे ना है बड़े चुपचाप मुझे ग्रंथ लिखना मैं भीख मांगने के लिए तुम्हारे तुम आज बोलेंगे नमक दो कल बोलेंगे मुझे थोड़ा आचार दो मैं विषय बनूंगा तुम्हारे लिए देखो गुरु कैसे मनन करते थे इसमें ठाकुर जी खुश था हम जब तक गुरु जी को प्रसन्न नहीं करते प्रभुपा जी को प्रसन्न राजविहार खुश नहीं होते उनका है ना तो वो छोड़कर चले गए ब्राह्मण छोड़कर चले गए तुलसी का गार्डन था उसमें छोड़कर चले गए रसिक को फिर वो तो सो गई रात की बात है रसिक राय ने बोले ए, तुमको पता है मैं इधर हूँ जगो कुकिंग करो मैं फास्टिंग में हूँ <laughs> तब तो सचि माता ने वो विग्रह को लाई गंगा माता ने वो विग्रह को लाए विग्रह है ओडिशा में इतना ठाकुर है ना कि इनका स्टोरी सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे आप लेकिन ये भाग्य हम लोग का कोई अभी विग्रह का ऊपर आसक्त नहीं है है मैं तो तो बोलता हूं कभी कभी भाई बुरा मत आप प्रीचिंग कर रहे ठीक है। अच्छा है ठाकुर जी का सेवा कीजिए प्रीचिंग चलता है प्रीचिंग का कोई अपडाउन है समझ रहे हो ना चेंजेस होता है पहले भागवत कथा था आजकल क्या मोटिवेशन क्या हो? एक आ गया है कैसे घुमा कर फिर फिर और देखने के आ जाएगा ऐसा में तो हमारा प्रचिंग नहीं चलेगा तब तो क्या करेंगे हम सेवा करो भजन करो गुरु का तत्व पता है तब बैठ कर भजन करेंगे आप प्रचिंग करके जिनको लाएंगे वो किसको प्रार्थना करेंगे आपको प्रार्थना करेंगे राशि बिहारी को प्रार्थना करेंगे उनका तो जिम्मेदारी पहले रहना चाहिए कृपा तो उनसे प्राप्त करेंगे प्रभुपा से प्राप्त करेंगे उनका खाना पीना व्यवस्था बंदोबस्त सेवा अच्छे से चलना चाहिए अच्छे से जाना प्रपद् बोलते थे प्रपद् एक बार लॉस एंजेलिस में थे एक कन्वेंशन में सुन रहा था प्रपद् और ओडीबॉडी लोग बोले प्रपद् आप जो, जो लॉस एंजेलिस आ रहे हैं ना ठाकुर जी बहुत सुंदर दिखते हैं तो प्रपद् क्या बोला आपको पता है यस दैट इज माय फियर मेरा डर यही है कि मैं जब चले जाऊंगा विदर यू मे नेगलेक्ट माय डिटीज प्रपद् बोले मेरा ठाकुर को तुम नेगलेक्ट करेंगे प्रभु डर था इसे बोले आप सुनना चाहिए कन्वर्सेशन प्रभु कैसे बोले कभी कभी जाते हैं ना प्रभु दर्शन करके बोल देते हैं तो उनका ठाकुर है ना वो इसका ममता है इतना ममता है ना ममता से प्रकट हुए देखो जिस स्थान में जैसे ठाकुर है वैसे हैं मुंबई में जैसे है ना मुंबई है सिटी है ना राशि देखो सिटी देखो ऐसे पर दमादार खड़े हैं तुम जैसे पैसा वाले हो मैं वैसे हूं देखो उनका भाव ऐसे है और जहाँ भी आप जाइए मायापुर जाइए ना मायापुर बंगाल लोग है ना अच्छा पहनते अच्छा खाते लंबे लंबे आदमी होते उधर देखो राजनी कैसे खड़े हैं मैं जब जाता हूँ राधा परेश्वर वो उनको दर्शन करेंगे ना पागल हो जाएंगे इतना मदन मोहन जैसा है।, है इतना सुंदर है उधर एक्टिवी वाला प्रभुपा जब इंस्टॉल किए तब तो दर्शन किए बहुत समय दर्शन किए परेश्वर तो बोले ये परिस में लड़की लोग ये एंजल जैसे हैं क्या बोले हिंदी में अप्सरा जैसे हैं और ये जो है ना परेश्वर उन सबको अट्रैक्ट करेंगे पता से बोलते थे और गोकुलानंद आप लंदन जाइए जो गोकुलानंद है सचमुच गोकुलानंद जैसा छोटा ठाकुर उनका आंख कैसा है जिधर जैसे नाम दिए हैं ना वैसे हैं है। जैसे राधा लंडनेश्वर ये बराबर जैसे मैं जब लंडन स्वर को याद करता हूं जैसे हैं हैं से प्रकट हुए है ना इसलिए साधु का यही साधु चले जाते हैं ना हमको छोड़कर संपत्ति जाते हैं और मंदिर में ठाकुर जी का हम यत्न लेंगे ना सब कुछ चलेगा भक्त लोग आएंगे उनका श्रद्धा रहेगा प्रेम रहेगा भाव रहेगा प्रभु जी हम, हम कर्मकांडी नहीं है, हमारा प्राण है दो आचार्य फर्स्ट सवार सवार अभी है लेकिन क्या करें अभी तो सब जगह में उड़ीसा में जो पुरी में कितना सुंदर सुंदर विग्रह है उनका कितना लीला है उड़ीसा तो ठाकुर का देश बोलते हैं पता है ना उड़ीसा देश को ठाकुर जी का देश बोलते हैं गांव गाँव में हम लोग का ठाकुर का लीला है कहा ठाकुर फिल्म देखने जाते हैं कहा ठाकुर चोरी करते हैं चैतनबाप फिल्म देखने गए थे मैं जाता हूँ मेरा याद होता तो चले जाता हूँ फिल्म देखने क्यों जयदेव का फिल्म है बेंगली में वो चल रहा था पास में वो दारू का डेटिज है जयदेव जयदेव चंडीदास विद्यापति श्री गीता गोविंद महाप्रभु सुनते थे ना अरे जयदेव का फिल्म एक आदमी फिल्म में रोल कर रहा है महाप्रभु जयदेव इतना प्रिय है वो डेटिज रात में चले गए थे ठंडी का मौसम था ठाकुर चादर लिए और चले गए और टिकट काटने लगे मैं सोचता हूँ जब टिकट काटने लगे तो पैसा कहां से डोनेशन बॉक्स <laughs> से चोरी करके लिए मैं बोलता हूँ और और नहीं बैठता है आज तो वो रिजर्व है बेंगल में कांथी का पास है। और इसमें बैठने लगे और जयदेव फिल्म देखने लगे वो इतना भाव विभोर हो गए उधर ही चादर को छोड़कर चले आए और पुजारी जब सुबह देखे कि चादर नहीं है तो पूछने लगे कहा महाप्रभु को चादर नहीं है चोरी हो गया क्या हो गया

ये वंश को ठाकुर स्वीकार किए हैं जैसे बिहारी ना प्रभुपत का लेकिन हम प्रभुपत को स्वीकार करेंगे ना हमारा भक्ति हो या नहीं हो हमको स्वीकार करके रखेंगे क्योंकि ये के लड़के लोग हैं वंश का स्वीकार करते हाँ, अभी टाइम तो हो गया मुझे जाना है <laughs> तो आप लोग मेरा यही प्रार्थना है ये स्थान है आचार्य अनुगत में प्रभुपाद के अनुगत में प्रभुपत के शिष्य लोग के अनुगत में प्रेम से सेवा कीजिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है अभी दुनिया में देखो पैसा वाले जो में जो हो बुम्बई में जो हो दिल्ली में पैसा वाले को घर चलाना पति पत्नी दोनों है एक दो लड़का है उसको चलाना मुश्किल हो रहा है ये कितना पिताजी का लड़का हम लोग है कितना जाति पाती है कितना संस्कार है खाना पीना कितना स्वभाव अलग है लेकिन सब आ रहे हैं सब एक हो जाएंगे अगर प्रभुपद को किसका घर में हम रह रहे कंपनी में सब एक होते हैं ना आपस में भीतर कुछ रहता है लेकिन टेटा कंपनी के कंपनी में काम करते हैं एक हो जाते हैं इसे सब मिलजुल कर सेवा कीजिए प्रभुपाद को बहुत इच्छा था कि जो मंदिर है राधा श्याम सुंदर मायापुर मंदिर अच्छा से फ्लोरिश होना चाहिए बहुत ममता करते थे ठाकुर जी इसलिए आप लोग को मेरा प्रार्थना है आप लोग मिलजुल कर सेवा कीजिए प्रभु प्रूपा जी का कृपा से श्री गौर नित्यानंद और राश बिहार रा, जी राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज का कृपा प्राप्त कीजिए हरे कृष्ण श्रीलूपा जी महाराज की जय राधा राजबिहार जी की जय गौर नित्यानंद प्रभु की जय राम राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय सं की जयर हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण तो जो ठाकुर जी के देश से आए हैं और जो ठाकुर जी फिल्म देखने जाते हैं और जो महाराज जी भी फिल्म देखने जाते हैं ऐसे महाराज जी का हम दो दिन जो गुरु वैष्णो सेवा का तत्व विवेचन किए उनका हम धन्यवाद देंगे आभार प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ उनको हम तीन दिन निमंत्रण भी देंगे जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके आपको याद दिलाना चाहता हूँ कल निर्जल एकादशी है आज नहीं आप ऐसे बोल रहे जैसे आज निर्जला करके बैठे आवाज ही नहीं निकल रही है जोर से बोलो यहाँ से ठाकुर जी के देश तक आवाज जाना चाहिए ताकि महाराज वापस निकल के आए हरे जगत गुरु शील प्रभु पाद की